Hello and welcome to my channel. I hope you all are doing good. Main entrance से start कर रही हूँ. यहाँ पे काफी rules होते हैं. हम ज़्यादा भर-भर के decorate नहीं कर सकते. Keeping in mind emergency evacuation. मैंने बहुत ही simple रखा है. मैं actually बाहर candle या दिया ही जलाती हूँ. लेकिन last year मेरी neighbor की छोटी सी प्यारी सी बेटी बार-बार आके कैंडल पे हाथ लाड़ रही थी और उसकी मम्मी परेशान हो रही थी, पर मेरी परेशानी थी कैंडल बुझा दे रही थी वो नहीं. एक्सीडेंट हो सकता है. टू अवॉइड दैट मैंने इस बार आउटडोर में सब कुछ एलईडी कैंडल्स ही लगाए हैं, सो दैट इट विल नॉट कॉज हिंडरेंस टू एनीबॉडी. तो चलिए घर के अंदर आते. ये वाला कॉर्नर मेरा सबसे बजट फ्रेंडली और सबसे बोल सकते हो घर में पड़े हुए चीज़ों से मैंने सजाया है. बहुत ही बजट फ्रेंडली बेसिक की रखती हूँ मैं, रेंटल फ्रेंडली. ऊपर से यहाँ पे हम लोग जो भी दिवाली डेकोर खरीदते हैं इस हाईली एक्सपेंसिव, मतलब जो इंडिया में प्राइस से मिलता है यहाँ पे इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो मैं बजट में ही रहती हूँ. और जो भी आज मेरे पास थे पिछले 5-6 सालों से मैंने थोड़ा 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 करके खरीद के उसको एक्यूमुलेट किया है. मेरे पास यहाँ पे एंट्री टेबल या नहीं है डेकोरेट करने के लिए. तो व्हाट आई हैव डन, ये मेरा दिवाली डेकोर का ही बॉक्स है तो वो खाली हो गया है क्योंकि सारा सामान यूज होने वाला है. और नीचे एक और स्टोरेज बॉक्स है जो किचन में मैं अपना एक्स्ट्रा मिक्सर ग्राइंडर फूड प्रोसेसर के पार्ट्स होते हैं वो यूज करती हूँ. तो इसको मैंने इसे स्टैक कर दिया तो इसमें हाइट मिल जाएगा तो मैं आराम से यहाँ पे डेकोरेट कर सकती हूँ. दिवाली डेकोर जो था मैंने लिविंग रूम में जो जो सेटअप करना था मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट की हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसमें, क्योंकि ये एक बार डेकोरेट हो जाएगा तो मुझे ये फिलहाल दिवाली तक मुझे इसको नहीं निकालना है. दिवाली थीम में ब्राइट कलर का अगर कोई रनर है आपके पास तो दैट विल बी बेटर, पर मेरे पास एक ही है जो मैं कहीं और यूज करने वाली हूं तो इस बार के लिए इसी से एडजस्टमेंट. ये एक बहुत ही पुराना, इसमें कई कई सारे दाग बाग लग गए ग्लू ग्लू के. ड्राइंग बहुत छोटा था तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्राफ्ट करता था. तो ये वाला टेबल क्लॉथ मैं यूज करूंगी जस्ट टू हाइड द कंटेनर बॉक्स. यहाँ पे मैंने एक रनर डाल दिया है, पर रनर ना थोड़ा लंबा है, वो नीचे से साइड से कोई भी स्टेप कर सकता है तो खींच जाएगा, तो जो भी डेकोर है गिरने का चांसेस है. तो मैं ना सर पिन लगा के थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगी इसको. आई विश मेरे पास यहाँ पे कलरफुल दिवाली वाला एक रनर होता, मैजेंटा या ऑरेंज, दैट वुड हैव लुक्ड मच बेटर. यहाँ पे एक क्लॉथ कुछ मतलब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता फिर. आई डोंट हैव, आपके पास अगर डेकोरेटिव दुपट्टा है तो दैट ऑल्सो विल वर्क, बट मेरे पास वो भी नहीं है. और ये जो मैं हैंग कर रही हूँ ये मैंने ग्लोबल विलेज इंडियन पवेलियन से लिया था. और ये वाला लुक फाइनल लुक नहीं था, उस दिन मैंने ऐसा किया था, मुझे लगा था दिस इज फाइन गुड. फिर करते करते मुझे एक और आइडिया आया है जो आप लोगों को फाइनल डे पे दिखाए. वही होता है ना, डेकोरेट करना स्टार्ट करते फिर क्रिएटिविटी उभर उभर के आती है और चेंज हो जाती है. 2 दिन के लिए यही सेटअप था, देन द फाइनल लुक टोटली केम सडनली और मैंने ये वाला लुक सेटअप किया है. स्टोरेज कंटेनर, एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा गार्लन से मैंने ये कॉर्नर सेटअप किया. मेरे पास तो कोई घड़ा नहीं था और ना ही मुझे खरीदना था, तो मेरे पास एक ग्लास बोल था जिसको मैंने ऐसे ड्रिल करके टेप लगा के ये आर्टिफिशियल गार्लेंड्स को हैंग कर दिया है. क्योंकि ये प्लास्टिक का बेस है यहाँ पे मैं कैंडल या दिया नहीं जला सकती थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने सारे LED कैंडल्स ही यूज़ किया है. ये टेबल आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो देख के पहचान गए होंगे, ये मेरे सोफा के पास में इस पर प्लांट्स रखती थी. रिसेंटली मैंने प्लांट रखने के लिए एक स्टैंड लिया क्योंकि इस छोटे से टेबल पे और मेरी प्लांट पॉट्स की जगह नहीं हो रही थी, तो अब मैंने इसको एक दिवाली डेकोर के लिए यूज़ कर रही हूँ.
पर ये वाला डेकोर भी फाइनल डे तक नहीं था, ये डेकोर सिर्फ आधा घंटा एक घंटा के लिए था। करना स्टार्ट किया एज ऑलवेज, विच लेड मी टू अ डिफरेंट डेकोर आइडिया। और यहाँ पे भी आज जो भी डेकोर आइटम मैं यूज़ कर रही हूँ, सारे के सारे पिछले 2-3 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो उल्ली है, ये भी मैंने आइकिया से ही लिया था, और उल्ली के नीचे आप देख सकते हो हाई ट्राइज़र दिया है। वो हाई ट्राइज़र नहीं है, वो मेरी रोटी बनाने की चकला है। तो अगर हाई ट्राइज़र नहीं है और दुबई में आप ख़रीदने जाओगे ना, वुडन हाई ट्राइज़र इज एक्सपेंसिव, तो घर की जो रोटी बनाने की चकला है अब वो यूज़ कर लीजिए। घर वाले को 2 दिन राइस मिलेट ये सब खिलाइए। हाँ, और इस कॉर्नर में मैंने वाइट रेड और येलो थीम यूज़ किया है। डाइनिंग टेबल पे मैं ये जो उल्ली है, ये मैं इंडिया से लेके आई थी, मतलब लास्ट ईयर दिवाली के टाइम मम्मी ने मंगवा लिया था। मैं मार्च में जब गई थी लेके आई थी। ये बहुत हैवी है बट इट्स ब्यूटीफुल। मैं इसमें रियल फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ एक LED फ्लोटिंग लोटस। और ये वाले वाटर लिट दिए मैंने आदिल से लिया था, मैं 6 लेके आई थी। इसमें से सिर्फ 3-4 ही लिट अप हो रहे, बाकी 2 नहीं जल रहे। डाइनिंग टेबल मैंने एकदम मिनिमल रखा ताकि खाना सर्व करने से पहले मैं फट से इसको क्लीन अप कर सकूं या साइड में कर सकूं। एक मैंने ये लास्ट ईयर ग्लोबल विलेज इंडियन पवेलियन से रनर लिया था। आई पेड 120 dirhams। आई एम श्योर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप लोगों को पता है इंडिया में कैसे प्राइसेस है, प्लीज़ डू लेट मी नो। मम्मी बोल रही थी इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मुझे भी लगा इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये टेबल क्लॉथ मैंने टेमू से लिया था क्योंकि मेरी टेबल पे सिर्फ रनर डजंट लुक गुड। इस रनर का लुक एलिवेट करने के लिए मैंने एक लाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा दिया है। ये तो मैंने दिन के टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रात को ज़रूर मैं शेयर करूंगी द इवनिंग लुक। मेन डोर के बाहर मैं उल्ली नहीं सजा सकती, इसीलिए एंटर होते ही मैं एक उल्ली सजा रही हूँ। ये ग्लास बोल भी आइकिया से है, डिस्काउंट में मिला था 1-2 साल पहले। और इसको चारों ओर से मैंने फेक गार्डन से सजाया है, लेकिन उल्ली के अंदर मैंने फ्लोटिंग कैंडल और रियल फ्लावर्स से डेकोरेट किया है। और ये मंदिर के नीचे जो ट्रे में सजा रही हूँ, ये ट्रे मेरा ड्रेसिंग टेबल पे मैं अपना परफ्यूम्स रखती हूँ, जिसको मैं आज गार्डन से और कैंडल से सजा रही हूँ। घर पे जो भी है ना, मैं इधर उधर से लेके अपने घर को दिवाली के लिए सजाया है। तीन साल पहले शिफ्टिंग के टाइम मेरी कॉफी टेबल टूट गई थी, और ये जो सोफे के साइड वाले टेबल्स होते हैं कॉर्नर टेबल्स, मैं इसी को कॉफ़ी टेबल की तरह यूज़ कर रही हूँ। और जगह कम है, डेकोरेट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैंने इन दोनों टेबल्स के नीचे डेकोर के लिए एक में चॉपिंग बोर्ड डाल दिया है और दूसरे में ट्रे। बड़े वाले के लिए मैंने ट्रे ढूँढा था, मुझे मिला नहीं, तो चॉपिंग बोर्ड डालने से मेरे पर्पस हो गया, डेकोर हो जाता है और ऊपर खाली रहते तो वी कैन यूज़ इट चाय कॉफी कप्स स्नैक्स रखने के लिए। Thank you.
इवनिंग लुक व्हेन लाइट्स आर टर्न्ड ऑन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कौन सा लुक अच्छा लगा, डे टाइम या इवनिंग टाइम जस्ट विद दिवाली डेकोर लाइट्स, और या सारे घर के ट्यूबलाइट्स डेकोर लाइट्स ऑन करने के बाद। और चलिए आज इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली और शुभो काली पूजा।